मार्च तक हट सकता है भोपाल का BRTS। मिस रोज से लाल घाटी तक 18.51 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 8 को CM देखेंगे भोपाल का BRTS। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मार्च से पहले हट सकता है मिस रोज से एम्प्री तक, रोशनपुरा से कमला पार्क और कलेक्टोरेट से लालघाटी के बीच BRTS को तोड़ने में कुल 18.51 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि बैरागढ़ में एलिवेटेड कॉरिडोर बनने से PAW खुद ही इसे तोड़वा देगा। मुख्य सचिव वीरा राणा के सामने 4 प्लान पेश किए जा चुके हैं, जबकि 8 जनवरी को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी प्रेजेंटेशन दिखाया जा सकता है। CS की मीटिंग में प्लान ओके हो गया है, हालांकि CS के सामने एक बार और मंथन होगा। इसके बाद 8 जनवरी को भोपाल नर्मदापुरम की समीक्षा बैठक, मुख्यमंत्री को प्लान का प्रेजेंटेशन दिखाया जाएगा। CM डॉक्टर यादव की मंजूरी मिलते ही BRTS को तोड़ने की कवायद शुरू हो जाएगी, ताकि मार्च तक कॉरिडोर हट जाए। इसके बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग सकती है, इसके काम रुक सकता है। प्लान 1 मिसरोज से एम्प्री तक, जिस पर पर्याप्त राइट ऑफ वे एवं जमीन उपलब्ध होने के बाद भी वाहनों के लिए सिर्फ 2 लेन ही है। BRTS हटाकर 3-3 लेन का 6 लेन मार्ग का निर्माण हो सकता है। इसमें 11.67 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके साथ साइकिल ट्रैक का उपयोग भी उचित रूप से नहीं होने से यह 2-व्हीलर के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है। इसकी लंबाई 1.42 किलोमीटर है, जो शहर के व्यस्त क्षेत्र में स्थित होकर ट्रैफिक के लिए बाधित बन रहा है। इस लंबाई में डेडिकेटेड कॉरिडोर हटाया जाकर मिक्स्ड वाहनों के लिए 3-लेन सड़क में सेंट्रल वर्ज के बनाए जाने करीब 3.21 करोड़ रुपए खर्च आ सकता है। प्लान 3 कलेक्टोरेट से लाल घाटी तक, यह 1.73 किलोमीटर लंबा है। इसे हटाकर दोनों ओर 3-3 लेन की सड़क हो जाएगी। इसमें कुल 3.63 करोड़ रुपए खर्च आ सकता है। प्लान 4 हलालपुर से सीहोर नाके तक, कुल 3.81 लंबाई की इस कॉरिडोर को भी हटाया जाएगा। इससे बैरागढ़ में ट्रैफिक काफ़ी हद तक सुधर सकता है। बैरागढ़ में 306 करोड़ रुपये की लागत से एलिवेटेड कॉरिडोर प्रस्तावित है, इसके टेंडर भी हो चुके हैं। इसी प्रोजेक्ट में BRTS को हटाया जाना भी शामिल है। इसके चलते जिला प्रशासन या नगर निगम को अतिरिक्त कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा। यह बात मीटिंग में मुख्य सचिव के सामने रखी गई है। कॉरिडोर को PWD हटवाएगा। जिस जगह कॉरिडोर है वहीं पर एलिवेटेड कॉरिडोर के पिलर खड़े होंगे। एक मंत्रालय में पिछले दिनों हुई बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने BRTS कॉरिडोर हटाने का निर्णय लिया था। मुख्यमंत्री ने CS से विस्तृत प्लान मांगा था कि कॉरिडोर हटाया कैसे जाएगा। यह डेडलाइन खत्म होने पर CS ने 30 दिसंबर को स्थानीय अफसरों की मीटिंग भी की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री के सामने प्लान रखा जाएगा। प्रेजेंटेशन को मंत्री विश्वास सारंग, विधायक रामेश्वर शर्मा, भगवान दास सबनानी भी देखेंगे। भोपाल के डेवलपमेंट को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पहली बार मीटिंग ली। उन्होंने VIP रोड के चौड़ीकरण का प्रेजेंटेशन भी देखा, साथ ही BRTS कॉरिडोर को भी लेकर मंत्री विधायक समेत अफसरों से चर्चा की। मंत्री विधायक ने BRTS कॉरिडोर पर हादसों का मुद्दा उठाया, इस कॉरिडोर को हटाने की भी बात कही। इसके बाद BRTS कॉरिडोर को हटाने की सहमति बन गई। भोपाल के डेवलपमेंट को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पहली बार मीटिंग ली। उन्होंने VIP रोड के चौड़ीकरण का प्रेजेंटेशन भी देखा, साथ ही BRTS कॉरिडोर को भी लेकर मंत्री विधायक समेत अफसरों से चर्चा की। मंत्री विधायक ने BRTS कॉरिडोर पर हादसों का मुद्दा उठाया, इस कॉरिडोर को हटाने की भी बात कही। इसके बाद BRTS कॉरिडोर को हटाने की सहमति बन गई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।